अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। योगी मंत्रिमंडल पर कोरोना का हमला, एक साथ दो दो मंत्रियों को हुआ कोरोना, मंत्रियों को हुआ कोरोना तो नेता परेशान, संपर्क में आए नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए परेशान, कोरोना ने प्रदेश सरकार को कर दिया बेहाल। कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैश्विक महामारी कोरोना आम से अब खास होती जा रही है। जिन लोगों ने कभी इस बीमारी के बारे में सोचा नहीं होगा उनको भी ये वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। हालात ये हैं कि बड़े बड़े नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल पर कोरोना ने हमला बोल दिया है और प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से योगी सरकार के तमाम मंत्रियों और नेताओं के साथ साथ अधिकारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि जिन मंत्रियों को कोरोना हुआ है उनसे अधिकारी और पार्टी के नेता अक्सर मिलते रहते हैं। ऐसे में अब सबकी कोरोना की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि योगी सरकार में ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह में सबसे पहले कोरोना की पुष्टि हुई थी और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को भी कोरोना वायरस हो गया है, जिनका सहारनपुर के जिला अस्पताल में टेस्ट करवाया गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंत्री धर्म सिंह सैनी के साथ ही बागपत में एडीजे के कोरोना की गिरफ्त में आने के बाद कोर्ट बंद कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रदेश में कोरोना की जंग लड़ रहे महकमे के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ही कोरोना की गिरफ्त में आ गए। ऐसे में लोगों में चिंताएं और बढ़ गईं। सहारनपुर में मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समेत 13 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची है। उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने शनिवार को सहारनपुर के जिला अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करवाई, जिसके बाद मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोढ़ी ने इसकी पुष्टि की। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंत्री को राज्य के मेडिकल कॉलेज पिलखनी भेज दिया गया। अब उनके परिवार के सदस्यों का भी सैंपल लिया जाएगा। सीएमएस ने बताया कि मंत्री को खांसी की शिकायत है और वो थकावट भी महसूस कर रहे हैं। एक्सरे के बाद आज ट्रू नॉट मशीन से उनकी कोरोना जांच करवाई गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची है। कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सवाल इस बात का है कि इस पर लगाम कैसे लगेगी। एक के बाद एक नए लोगों में कोरोना देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में चिंता का सबब है। साथ ही हर रोज नए मामलों से कोरोना का रिकॉर्ड टूट रहा है। ऐसे में हर कोई परेशान दिख रहा है, सरकार भी हलकान दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।